करने के सुपरस्टार आज कल 10 महीने के बाद वापस आई है इंडिया में। खाली जो आपको इजी लगता है, जो कंफर्टेबल लगता है, जो मेरे बहुत क्लोज है वो दिलीप सिंह बोलते हैं, जो थोड़े दूर के हैं वो ग्रेट खाली बोलते हैं। सो कविता दलाल 10 महीने बाद आपकी पहली शिष्य जो लेडी शिष्य बोलते हैं जिसको, वो आपके पास आई है, कैसा लग रहा है? मेरे को आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस मकसद से मैंने CW को स्टार्ट किया था वो मकसद मेरा आज पूरा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि यार कहाँ आप चक्कर में पड़े हुए हैं, बहुत टफ है इसको, ये फॉरेन की गेम है, हिंदुस्तान पे इसको मतलब जानते नहीं, पहचानते नहीं, खेलते नहीं लोग। लेकिन मैं मतलब यहाँ पर आया हूँ सारे काम छोड़ के, एक ड्रीम था, शौक था कि अपने कुछ जो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं कि उनके लिए कुछ करूँ, उनको प्रमोट करूँ। तो जिस मकसद से मैंने शुरू किया था वो मकसद मेरा पूरा हुआ है आज, कि भाई जो कविता देवी है वो WWE में काम कर रही है, जो यहाँ पर जिनके पास कोई एक जॉब नहीं थी, लेना नहीं था, देना नहीं था, आज वो WWE पे करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ और पूरा हिंदुस्तान उस पर प्राउड फील करता है। और जितने भी लड़के हैं, हमारे लड़के और भी बहुत सारे मैंने ट्रायल देने के लिए भेजे थे, लेकिन जो सबको पीछे छोड़ के कविता देवी ने प्रूव कर दिया है कि भाई लड़की ज़रूर हूँ पर लेकिन मैं ये मत समझना कि मैं किसी लड़के से कम हूँ। तो ये मेरा एक ही मतलब सबको एक बताना चाहूँगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता। जैसे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए हमारे को प्रैक्टिकल भी कुछ करना पड़ता है। जैसे मेरे दोस्त गौरव है, जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने पूरी सपोर्ट करी, उन्होंने बताया कि नहीं घर का काम नहीं तूने करना, गौरव ने बताया, गौरव की माँ ने बताया जो कविता की सास है, कि भी नहीं आपने मतलब घर का काम मैं करूँगी, आप जाओ और जो आपका शौक है उसको पूरा करो। तो ये यहाँ पर इन्होंने कविता ने दो सालों में ट्रेनिंग की यहाँ पर और उसके बाद सीधी WWE पे गई है। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ और पूरा हिंदुस्तान करता हूँ, और सारे मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने बहुत प्रमोट किया है CWE को। और जो आने वाले टाइम में जो 12 जनवरी से, मैं बताना चाहूँगा लाइव हमारा आएगा, लाइव TV शो पर आएगा हमारा 12 जनवरी से। कविता देवी ना हाड़गेड़ी ना दलाल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड थी मैं बच्चों से मिलने के लिए, अपने साथ के लोगों से मिलने के लिए, और बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है कि मैं वापस अपने घर में आई हूँ। बिल्कुल याद आई, परिवार की बहुत ज़्यादा याद आती है, एक 6 साल का मेरा बच्चा भी है अभिजीत, तो मैं उसको मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन फिर भी साइड में जो मेरा एक कंट्री का जो सपना है, एक चैंपियन बनने का जो सपना है और जो देश की जो उम्मीदें हैं जो मुझसे जुड़ी हैं, उन सब के सामने मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा साइड में रख रही हूँ। शायद लोगों की, आप लोगों का प्यार है, देशवासियों का प्यार है जो मुझे इतनी मजबूती देता है कि मैं उस चीज़ को सहन कर पाती हूँ। तो राणा जी से आपने प्रैक्टिस करी, सीखा जी, तो वहाँ फ्लोरिडा में भी अभी चल रही है आपकी प्रैक्टिस जी, तो दोनों में अंतर? दोनों में अंतर है, काफ़ी है। जैसे हार्डवर्क तो यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, वहाँ पे वर्ल्ड लेवल के एथलीट वहाँ पे होते हैं, चुन चुन के जाते हैं, जैसे मैं यहाँ से चुन के गई थी। सो वहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमें हफ्ते में 3 शोज करने होते हैं, लाइव शोज होते हैं, सो ट्रैवलिंग का ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, बाकी हार्डवर्क हमारा साथ में चलता है, सेम शेड्यूल। भविष्य में जो सपना मैं यहाँ से लेकर गई थी, आज बिल्कुल वर्ल्ड चैम्पियन बनने का और हिंदुस्तान के नाम एक फर्स्ट वुमेन चैम्पियनशिप जो बेल्ट है वो नाम करने का। थैंक यू। रोल है सारे? रोल रोल। हाँ जी सर, हरियाणा जैसे प्रदेश से जहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने दिया, आप एक भाई के नाते जी खुद कविता के साथ आए और कविता ने सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, बिल्कुल पहले तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी खुशी है हमें कि
कि ये इतने पड़ाव पार करके आज इस सक्सेस पे पहुंची हैं और पूरी देश की हमारे समाज की लड़कियों के लिए प्रेरणादायक हैं। और स्टार्टिंग में जो इनका सफ़र था वो इतना आसान नहीं था, और सबसे पहले मैं आप लोगों का, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया वर्क, उसका बहुत बड़ा साथ मिला, जो हमारे साथ, जो हमने समाज के ऐसे लोगों के खिलाफ चट्टान की तरह हम खड़े हुए, उस सोच के खिलाफ जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, और उसमें आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद जो कविता की जो मेहनत और लगन थी वो रंग लेके आई है। एक चीज़ और है बड़ी, वो है कि एक भाई जो है वो पूरी हिंदुस्तान की जो बहनें हैं उनके भाई को क्या संदेश देना चाहता? मैं सब भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबको अपनी जो छोटी बहनें हैं, अपनी बहुएं हैं, बेटियां हैं, उन पे आप विश्वास कीजिए और उनको ज़रा एक बार उसके सपने पूरे करने का मौका दीजिए, उनको सपने देखने का मौका दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप आज जैसे मैं बड़ा गर्व से फूलानी समा रहा, तो आप सब भाइयों की, वो जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, आप सब की चौड़ी छाती कर देंगे। सर लगता है जैसे फोगाट सिस्टर आगे आई थी, जी उनके ऊपर पिक्चर भी बनी है, जी तो लगता है कहीं ना कहीं कविता भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगी, और पूरा विश्वास है, और आप देख रहे हैं इनका रिजल्ट, इसकी मेहनत रंग लेके आ रही है।